हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग रिकंसिलेशन देखने जा रहे हैं। अकाउंट रिकंसिलेशन मैनुअली जो करते हैं वो कैसे करते हैं। रिकंसिलेशन दो तरीके से होती है। जब आपका इनवाइसिंग होता है, इनवाइसिंग होने के बाद जब आप आउटगोइंग पेमेंट करते हैं, सपोज दैट आपका परचेज का केस है, परचेज के केस में वेंडर को पेमेंट करते हैं, तो जो वेंडर का बिल होता है उसको आउटगोइंग पेमेंट के थ्रू आपने अगर पेमेंट कर दिया तो एट द सेम टाइम पे सिस्टम क्या कर रहता है, उसको रिकंसाइल कर देता है। सपोज दैट कि आज यानी कि महीने का क्लोजिंग डेट है और आज हमें कंप्लीट उसका क्लियरेंस करना है, तो उसके समय हमें रिकंसाइल करना होता है। तो कुछ बिल्स जो हैं वो पार्टी के बने हुए हैं और उसके पेमेंट्स नहीं हुए हैं, तो हम उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे, उस चीज को आज हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग केयरफुली देखिए, समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अकाउंट वाले के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिकंसिलेशन करते हैं, कैसे बैलेंस को मैनेज करते हैं, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलेशन, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, बैलेंस का जो एडजस्टमेंट होता है वो, कि बिल है और उसका पेमेंट कितना कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि यदि आपका बिल है, सपोज दैट आपने एपी इनवॉइस बनाया है, कोई पार्टी है उससे आपने कोई चीज परचेज किया, उसका बिलिंग हो गया है और आप बैंकिंग में जाके जब उसका आउटगोइंग पेमेंट करते हैं, सपोज दैट 100 रुपीज का उसका बिल है और आपने 100 रुपीज पे कर दिया, तो एट द सेम टाइम पे क्या हो गया, जितना बैलेंस था उतना आपने पे कर लिया, सिस्टम ने रिकंसाइल कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिल्स हैं जिसके कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो उसको हम कैसे रिकंसाइल करेंगे उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं बिजनेस पार्टनर पे, क्योंकि हमें बिजनेस जो वेंडर है उसका रिकंसाइल करना है। यहाँ पे आप देखें, या फिर जो हमने परचेज किया है, सेल्स किया है, उसका करना है। तो ये हमने एक बीपी उठा लिया, ये है बिजनेस पार्टनर, इसका हमने इसको उठाया। अब इसको जब देखिए तो इसका क्या दिखा रहा है, ये अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये इसको हमें रिकंसाइल करना है। तो कैसे रिकंसाइल करेंगे, तो इसमें आते हैं, इसमें ये सारे। अब देखिए, जब भी रिकंसिलेशन होता है तो अमाउंट शुड बी क्या होना चाहिए, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों ही बैलेंस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्या है, ये सारे अमाउंट डेबिट में है, ये क्या है, क्रेडिट में है। तो आप ये जो देख रहे हैं 1,00,000 रुपये क्रेडिट है और ये -12,840 -12,000, माइनस करने का मतलब डेबिट में, माइनस मतलब ये क्रेडिट अमाउंट है। तो 1,00,000 एंड प्लस दीज थ्री ट्रांजेक्शन, ये 12,000 समथिंग जो है ये, और तीनों को जोड़ दिए तो इतना अमाउंट आप इस पे यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। नहीं, अगर आपको टोटल रिकंसाइल करना है तो उसके इसमें क्या करना होगा, आपको जनरल एंट्री मारनी पड़ेगी। जैसे ये जनरल एंट्री मारा हुआ है 1,00,000 रुपये का, उसी तरह से आपको जनरल एंट्री मारनी पड़ेगी। कितने की मारनी पड़ेगी, ये सारे बिल जो हैं, ये जितने भी आउटस्टैंडिंग बन रहे हैं उसके आपको जनरल एंट्री मारनी पड़ेगी। अब कैसे, तो मैं एक आपको रिकंसाइल करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये अब हम जाएंगे यहाँ पे इंटरनल रिकंसिलेशन, इस पे जब आ गए तो ये देखिए, ये बैलेंस हमें दिखाने लगा, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट अभी आपने देखा था, ठीक है, और बाकी सब ये क्या है, डेबिट अमाउंट है। तो 1,00,000 ये हो गया और इन सबको जोड़ देते हैं, तो अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो इतना अमाउंट हम रिकंसाइल कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये कितना हो गया 1,37,480 रुपये। इतना अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। तो देखिए 1,03,000 समथिंग ये है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 25,800 समथिंग ये है, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी 8,204 रुपीज और हम इसको रिकंसाइल, तो इस बिल में से हम क्या किए, 8,230 इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। 8,000 कितना था, 8,204, तो यहाँ पे आया और हम इसको मैनुअली 8,204 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8,204। इसको जैसे ही मैंने, ये देखिए ये जीरो बैलेंस। अब रही बात कि ये तो रिकंसाइल 8,204, रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, वो बैलेंस ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पार्टी का, ठीक है। जब नेक्स्ट रिकंसाइलेशन आप करेंगे या ये पार्टी क्रेडिट होगा तो उसके बिहाफ पे ये डेबिट अमाउंट आपका रिकंसाइल होगा। जब तक ये अमाउंट जीरो नहीं होगा तब तक ये सिस्टम आपको रिकंसाइल नहीं करने देगा।
मतलब कि क्रेडिट एंड डेबिट शुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम यही यहाँ पे कर रहे हैं। ये सारे अमाउंट जो आप देख रहे हैं 1,12,840, 12,320, 12,320, ये सब क्या है, क्रेडिट अमाउंट है। ये जो पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं ये सब क्या है, डेबिट अमाउंट है। तो ये सारे अमाउंट को जब ये 1, 2, 3 ये तीन अमाउंट को जोड़ेंगे तो इस तीनों अमाउंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट अमाउंट होता है हम सिस्टम में जब ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, नेगेटिव में डालते हैं, डेबिट अमाउंट पॉजिटिव में डालते हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा, सरप्लस जीरो। अब आप इसको रिकंसाइल करेंगे तो ये अमाउंट आपका रिकंसाइल हो जाएगा, ये आपका रिकंसाइल हो गया। अब ये अमाउंट बचा है, ये अमाउंट को रिकंसाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस मच अमाउंट का आपको मारना पड़ेगा, जनरल एंट्री मारना पड़ेगा। मतलब ये क्या 384,385 इतना का आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री मार के इसको क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टी को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, अब जनरल एंट्री में जाते हैं, जनरल एंट्री में जाके, ठीक है, किसी भी इसको मिनिमाइज किया, अब आ जाइए आप जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री में गए, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पार्टी को हमें क्रेडिट कर, पहले जो डेबिट होगा, डेबिट कौन होगा, हमें पार्टी को क्रेडिट करना है क्योंकि डेबिट बैलेंस ऑलरेडी वहाँ पे है, तो पार्टी को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लिए बैंक अकाउंट, ये है हमारा बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट को हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हम क्या है, पार्टी ले लेते हैं। तो पार्टी क्या था, गांधी करके था, तो पार्टी लेने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल एंड टैब दबाते हैं, कंट्रोल एंड टैब दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें से ये गांधी था जिसको हम रिकंसाइल कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है 384,385 इतना ही अमाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे, 384,385। तो अब क्या करना है, इसे हमें क्रेडिट करना है और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 384,385। अब इतना से हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया, ये हो गया। अब इसको जैसे ही हम जनरल एंट्री मारेंगे तो अभी आप देखेंगे जहां पे वो बैलेंस दिखा रहा था ये क्रेडिट अमाउंट वहां पे जाके रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इसको हमने ऐड किया, ये ऐड हो गया। अब आप आ जाइए वहां पे रिकंसिलिएशन स्क्रीन पे आते हैं, तो देखिए ये है बिजनेस पार्टनर, अब ये बिजनेस पार्टनर आ गए। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये 384,385 ये आ गया, अभी जो जनरल एंट्री मारा हमने। अब इसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल रिकंसिलिएशन पे जाएंगे, इंटरनल रिकंसिलिएशन पर जाके अब क्या है, ये अमाउंट आपका क्रेडिट है और ये क्या है, डेबिट अमाउंट है। अब दोनों ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका डेबिट पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे सरप्लस अमाउंट हमारा जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ गया। अब जीरो आने के बाद जैसे ही हम रिकंसाइल करेंगे तो ये अमाउंट हमारा रिकंसाइल होगा, एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये सारा मेरा, अब आप देखेंगे इस पार्टी का जो बैलेंस, वो बैलेंस क्या दिखाएगा, वो नील दिखाएगा। तो अब आप इसको फिर से खोलिए बीपी को, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये तो हो चुका है, पहले से खुला हुआ है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कोई भी बैलेंस नहीं है, ये अकाउंट वाले जो होते हैं, जो अकाउंट में काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको गौर से देखिए, अब इस पार्टी का जो बैलेंस था, अकाउंट बैलेंस, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, नील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। यदि किसी को ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमारे जो नंबर है 5997 4132 उस पर कॉल कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम जॉब असिस्टेंसी भी देंगे, आपकी जॉब की भी इंटरव्यू हम कराएंगे, 5 इंटरव्यू कराएंगे, और अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग किया तो आपकी जॉब एश्योर्ड है, जॉब मिल जाएगी, बशर्ते कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए, एटलीस्ट आप बीटेक हो सीएस में या किसी भी ब्रांच में बीटेक होना चाहिए, या आप एमबीए अगर फाइनेंस से है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर एमबीए है तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, ओके बाय।